अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में विजयदशमी पर्व के अवसर पर क्षत्रिय सम्मेलन एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम सुरेंद्र नगर स्थित श्री राम बैंक्वेट हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष विजय स्वराज सिंह द्वारा की गई। कार्यक्रम में जनपद से विभिन्न स्थानों से आए समस्त क्षत्रिय बंधु एवं वीरांगनाओं ने अपने अस्त्र एवं शस्त्रों का विधिवत पूजन कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ वेद मंत्रों के साथ हवन कर किया गया। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चित्र पर फूल एवं माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। पूर्व कैप्टन आरके सिंह चौहान द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम का संचालन कमल प्रताप सिंह युवा भाजपा नेता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वीरांगना इकाई ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई। वीरांगना जिलाध्यक्ष प्रतिभा राघव एवं विजय लक्ष्मी सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख अकराबाद राहुल सिंह, ब्लॉक प्रमुख जवा हरिंद सिंह, मोमराज सिंह, फल मंडली अध्यक्ष नरेश ठाकुर, इंजीनियर आरपी सिंह, गोपाल सिंह राणा, पूर्व एडीजी सी दलजीत सिंह चौहान, गजेंद्र सिंह राघव, आदर्श राज सिंह, अनिल सेंगर, नरेश प्रताप सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, विक्रम पुंडीर, अनिल सेंगर, विजय तोमर, विनोद चौहान, शैलेंद्र सिंह चौहान, सीपी सिंह, सुधीर सिंह मैनाथ, कैलाश सिंह, मनोज ठाकुर, मनीष ठाकुर, मनीष नंबरदार, अजय कुमार सिंह, सैलू ठाकुर, अनिल कुमार सिंह, चीकू ठाकुर, मोहित प्रताप सिंह, अजय कुमार सिंह, सीलू ठाकुर, शैलेंद्र सिंह, जितेंद्र प्रधान, युद्धवीर सिंह चौहान, सोमेन पुटी, दिग्विजय सिंह, राजकुमार राघव, जयवीर सिंह, विकास सिंह के अलावा सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय बंधु एवं वीरांगनाएं उपस्थित रहे। अलीगढ़ से डेली न्यूज ऑनलाइन .in के लिए राजपाल सिंह आर के साथ कैमरामैन मनोज शर्मा की रिपोर्ट देखी। ये यहाँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आज कार्यक्रम शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है श्री राम बैंक्वेट हॉल में। यहाँ मेरे सामने यहाँ ये सभी वीरांगनाएं हैं और वीरांगना से अभी जब प्रश्न किए तो उन्होंने अपनी बारी बारी से बताया कि महिलाओं को किस तरह से बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। तो यहाँ ये जब इनसे बात की गई है तो इन्होंने कन्याओं को भी जन्म देने से पहले उनको जीवन देना चाहिए इस विषय पर भी चर्चा हुई और महिलाओं के संगठन को भी आगे बढ़ाने के लिए विश्व कल्याण की भावना से कार्य करते हुए मैं डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से राजपाल सिंह आ रही हूं। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके सोनिया है जी, चौहान है जी, हम सब लोग एक हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम होंगे कामयाब एक दिन, ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। समाज के लिए होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अपने समाज के लिए हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। देश के लिए हमें नहीं किसी का डर, हमें नहीं किसी का डर, हमें नहीं किसी का डर आज के दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू। अच्छाई और बुराई के दोनों के बीच की लड़ाई शुक्र भगवान राम के द्वारा आज ये विजय दशमी के इस पर्व पर हम सभी समाज के निश्चित रूप से एक क्षत्रिय समाज जैसा है जो सभी समाज का सम्मान करता है। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा और क्षत्रिय महासभा के लिए आप क्या कहेंगे आज के दिन? मैं हरिंद सिंह ब्लॉक प्रमुख जमा, ये विजय दशमी के पर्व पर क्षत्रिय महासभा हम एकजुट होकर अपने महानुभावों का, अपने जो बलिदानियों का माल्यार्पण पूजन करते हैं एवं हम सब गरीबों की रक्षा के लिए एक पण लेते हैं।
मैं पहले आपका परिचय और साथ में अखिल भारतीय छत्री महासभा क्या संदेश देना चाहोगे लोगों के लिए? कमल प्रताप सिंह, एडवोकेट, पूर्व प्रदेश महामंत्री, अखिल छत्री महासभा। आज यहाँ अखिल भारतीय छत्री महासभा द्वारा आयोजित विशाल विजयदशमी शस्त्र पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और समाज के उपस्थित यहाँ महिला, वीरांगना, मेरे युवा साथी सभी लोगों को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी। और साथ ही आशा करता हूँ कि समाज हमेशा इसी तरह इकट्ठा रहे, एक रहे और लड़ाइयों के विरुद्ध हमेशा उनके शस्त्र हमेशा तैयार रहें। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज विजयदशमी पर छत्री महासभा की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं राहुल सिंह, लोक प्रमुख अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी। आज श्रीराम बैंक्वेट हॉल में विजयदशमी का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मुख्य रूप से शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था। यहाँ पर छत्री महासभा ने हमने किया है और हम लोग यही चाहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने आज ही के दिन राक्षस के रूप में रावण का वध किया था, उसी संदेश को हम समाज में देना चाहते हैं कि बुराइयों का अंत होना चाहिए और अच्छाइयों की जीत होनी चाहिए। और उसी के रूप में छत्री महासभा ने बहुत भव्य कार्यक्रम किया है, भव्य कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया और उसके लिए मैं सभी समाज को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चलिए, डेली न्यूज की तरफ से आपको भी एक मिनट, मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और हम एक और ये प्रश्न करना चाहते थे कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी दो दिन पहले या कल नौमी गई है, नौमी पर कन्याओं को पूजने के लिए बुलाया जाता है और वैसे कन्याओं को पेट में ही उनका दफन कर दिया जाता है, तो इस विषय में आप छत्री समाज के लिए क्या संदेश देंगे? मैं अखिल भारतीय वीरांगना छत्री महासभा से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम संगीता चौहान है और मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगी, जो हमारी कन्याओं के साथ शोषण होता है तो छत्री महासभा हमारी इसके लिए तत्पर तैयार है। जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे गांव में जो लड़कियां रहती हैं उनके साथ बहुत बहुत अत्याचार होते हैं, तो हमारी छत्री महासभा उनके साथ ऐसा कार्य करे जिससे सभी समाज को ये लगे कि हाँ, हमारी छत्री वीरांगनाएं उन बच्चों के लिए कुछ कार्य कर रही हैं। और यही मेरा संदेश है कि हम छत्रियों वीरांगनाओं को सबको मिलकर एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारी छत्री समाज को बहुत उससे हमें उत्साह मिले और प्रेरणा मिले। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज ये दसवीं के विजय पर आप क्या संदेश देना चाहूँगी महिलाओं के लिए? आज अखिल भारतीय छत्री महासभा के तत्वाधान में विजयदशमी का जो पर्व मनाया गया है, इसी के हम सभी लोग एकत्रित हुए, हमारी वीरांगनाएं और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारी श्रीमती विजय सिंह, वो भी हमारी इसमें आई हैं और उन्होंने भी दो बहुत अनमोल वचन कहे कि हमें सभी छत्रियों को एक रहना चाहिए। इसी के लिए आज हमने ये आह्वान किया और अगला विजयदशमी आने तक हम कृष्णांजलि में अपना प्रोग्राम बड़ी भारी जन समूह के साथ करें। तो आपका परिचय जानना चाहूंगा और साथ में ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से जिलाओं में आपका संगठन खड़ा हो गया है। मैं विजयलक्ष्मी सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में 2005 से काम कर रही हूँ, जिला, शहर और प्रदेश मंडल सभी पर रही हूँ और सभी जिलों में हमारी क्षत्रिय महासभा अपने मंडल के 4 जिले हैं उनमें और पूरे प्रदेश में हमारी जिला क्षत्रिय महासभा कार्य कर रही है। डेली न्यूज के माध्यम से और आप अपनी वीरांगनाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपनी वीरांगनाओं को एकता का संदेश देना चाहते हैं और अपने समाज को आगे और बढ़ाने के लिए, और जो हमारी क्षत्रिय कन्या हैं जिनको शिक्षा की सुविधा नहीं मिलती या शादी विवाह में प्रॉब्लम आती है तो हम उनका भी सहयोग करना चाहते हैं। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और साथ में आज ये विजयदशमी पर लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे छत्री महासभा की तरफ से? ओके, मैं डॉक्टर राजकुमार राघव, अलीगढ़ से ही हूँ, विनय नगर कॉलोनी में रहता हूँ। एकेडमिकली बीएड एमएड एमफिल पीएचडी किया हुआ है मुझे और मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ और टीचिंग प्रोफेशन तो अपने आप में एक अनोखा प्रोफेशन होता ही है और वो तो टीचिंग प्रोफेशन चाहता है कि समाज में हमारी जितनी भी विसंगतियाँ हैं, समाज में जितनी भी क्रूरतियाँ हैं उनको जो है हटाया जाए। और आज जो विजयदशमी का जो पर्व है ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ही नहीं बल्कि ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे बीच रहे हैं जिन्होंने अपने चरित्र के बल पर, अपने कर्म के बल पर समाज को एक संदेश दिया है। चाहे वो गृहस्थी का मामला हो, चाहे परिवार में बड़ों का सम्मान की बात हो, चाहे छोटे को प्यार की देने की बात हो या पत्नी को धर्म और मर्यादा के रास्ते पर चलाने की बात हो, उन्होंने हर पल हर पग पे बहुत सारे कठिन परिश्रम किए,
बहुत संघर्षों को झेला, उसके बावजूद भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। और ऐसे चरित्रवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हमें सीखना चाहिए, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। एक आदर्श व्यक्तित्व, उसी को आज हम विजयादशमी के रूप में, जिसने असत्य के ऊपर सत्य की विजय प्राप्त की है, और आज वही हम लोग समाज के लिए संदेश देना चाहते हैं कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण करो, एक अच्छे संस्कार पैदा करो, एक अच्छे कर्म का निर्माण करो, ताकि हमारे स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण हो। चलिए राघव जी, आपको डेली न्यूज की तरफ से बहुत